रसू नेग्रो, हर खरीदारी पर पाए निश्चित उपहार। 21 जुलाई साल 1890 को जयरामदास दौलतराम का जन्म स्वतंत्रता पूर्व सिंध के कराची में हुआ। वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। मुंबई में नमक सत्याग्रह के दौरान वे मुख्य संगठनकर्ताओं में से एक थे। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जयरामदास दौलतराम ने उनके पत्र यंग इंडिया का संपादन किया, लेकिन शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी इरविन समझौते के बाद उन्हें रिहा किया गया। ये संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए। आजादी के बाद जयराम दास बिहार के पहले राज्यपाल और भारत के दूसरे कृषि मंत्री नियुक्त किए गए। उनकी स्मृति में भारत सरकार ने साल 1985 में एक डाक टिकट जारी किया। 21 जुलाई साल 2009 को गंगूबाई हंगल का निधन हुआ। गंगूबाई हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका थीं। उन्होंने सवाई गंधर्व से संगीत की शिक्षा ली। ख्याल गायकी की पहचान बनाने में गंगूबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंगूबाई हंगल आधी सदी तक शास्त्रीय संगीत की महत्वपूर्ण हस्ती रही। उन्होंने कई बाधाओं को पार कर अपनी गायकी को एक मुकाम तक पहुंचाया था। उनकी आत्मकथा नन्ना बदुकिना हादू यानी मेरे जीवन का संगीत शीर्षक से प्रकाशित हुई। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके महती योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 1971 में पद्म भूषण और साल 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया।